बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम पूरम अजीज वानी है, मैं एक पी एच डी स्कॉलर हूँ। आज की वीडियो जो अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ, इसका ताल्लुक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से है। ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से मेरी तीसरी वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। टू स्टार्ट विद, मैं आपके सामने एडवांटेजेस ऑफ हैविंग कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो पहला एडवांटेज है फॉर हैविंग अ स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक इश्यूज। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, हम लोग कॉन्शियसली ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को जो है वो एनालाइज करते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनको हम लोग एनालाइज करते हैं। हमारे इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स, हमारी जो वीकनेसेस हैं, हम लोग उनको आइडेंटिफाई जो वो करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन हमें हेल्प करती है कि हम लोग अपने स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करें और हम लोग अपने वीकनेसेस को जब वो ओवरकम करने की कोशिश करें। जो सेकंड एडवांटेज है फॉर हैविंग अ कंप्लीट स्ट्रेटजी और फॉर हैविंग अ स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्टेंसी ऑफ गोल। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन डिसाइड करके उसको मूव कर देती है ऑर्गेनाइजेशन की मिडल मैनेजमेंट, और जो इंटर्न उसको आगे पास कर देती है लोअर मैनेजमेंट को। मिशन को सामने रखते हुए मिडल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव सेट करती है, विच हैव टू बी स्मार्ट, रादर स्मार्टर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड, एंड फाइनली एथिकल एंड रियलिस्टिक, और सम पीपल से कि ये रिकॉर्डेड होनी चाहिए। मिशन को देखते हुए जब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी टैक्टिक्स जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स की अलाइनमेंट, मोस्ट की अलाइनमेंट इंश्योर करती है कि जो टैक्टिकल लेवल पर हमारे लोग, हमारे वर्क फोर्स जो है, हमारे ऑपरेशनल मैनेजर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो अलाइन है ऑर्गेनाइजेशन की जो है कि ओवरऑल मिशन ऑब्जेक्टिव के साथ। सो इस तरीके से हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ गोल्स जो है वो हमारे पास आ रहा है। जो थर्ड हमारे पास एडवांटेज है वो है बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स अपना मिशन बनाते हैं, उस मिशन को अचीव करवाने के लिए मिडिल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट उनको सामने तो ऑब्जेक्टिव सेट करती है, स्ट्रेटजीज सेट की जाती हैं, टैक्टिक्स सेट किए जाते हैं बाकी लेवल के जो लोग हैं उनके साथ। ये जो प्लानिंग है ये हमारी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बन जाता है। कल को जब हम लोग एवेल्यूएट करते हैं कि क्या हमने जो गोल्स सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, अगर वो गोल्स अचीव नहीं होते, इट मींस वी फेल टू अचीव द प्लान्स। सो अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस पर जो है वो क्वेश्चन मार्क जो आ जाता है। हैविंग अ प्लान, हैविंग डिसाइडेड अबाउट योर फ्यूचर मींस यू आर प्रोएक्टिव अबाउट योर फ्यूचर। आपने आप आज बैठे हुए आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और आपने आज ही से उसके बारे में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया। जब हम लोग, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लास्ट दोनों वीडियोस में हमने इस पर बात की थी कि जब हम लोग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, हम लोग अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले एग्जिस्टिंग चेंजेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होने वाली आने वाले वक्त में होने वाले चेंजेस को हम लोग जो है वो अभी से जो है अकाउंट फॉर करना शुरू कर देते हैं, और उन चेंजेस को सामने रखते हुए हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करते हैं। ग्रांट पर हालात कहते होते थे, स्ट्रेटजी इज अ मैच बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। सो जब हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेफरेंस से अपना एनालिसिस कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज को अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक। एंड फाइनली हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रेटजी लीड्स टू ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, आई एम श्योर आप इस चीज़ को समझते हैं। हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में इस चीज़ पर बात करेंगे डेट वैल्यू फॉर मनी तो हर हाल में मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफेक्टिवनेस इंश्योर करना, इकोनॉमी इंश्योर करना, और जो है एफिशेंसी इंश्योर करना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के रेफरेंस से बेसिक माइलस्टोन है जो हम लोगों ने जरूर अचीव करना है। जब हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे होते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे से जो है डिप्लाई करते हैं। सो वो जो वैल्यू फॉर मनी के रेफरेंस से हमारी एफिशिएंसी थी, जो इकोनॉमी थी, इफेक्टिवनेस थी, वो अचीव होने के चांसेस जो हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें,
सबसे पहले डिसएडवांटेज जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट का टाइम कंज्यूम होना, ना सिर्फ टाइम कंज्यूम होना बल्कि सीनियर मैनेजर्स हमारे से पैसे भी लेते हैं, सो ना सिर्फ उनका टाइम स्पेंड होता है बल्कि हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ करता चाहूँ, आप जिस चीज़ को समझते भी हैं और आजकल मैनेजमेंट लिटरेचर में जिसको बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना सिर्फ वो अनसर्टन है बल्कि वो डायनेमिक भी है। अगर हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, तो हमारी टॉप मैनेजमेंट किस चीज़ को प्लान करेगी? और फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम लोग किसी तरीके से ये सर्टिनिटी अचीव भी कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायनेमिक है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बाय द टाइम हम लोग अपनी 5 years की प्लानिंग करते हैं, बाय द टाइम वो प्लानिंग इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो जिन चीज़ों को सामने रखकर हमने प्लानिंग की है वो ग्राउंड रियलिटीज ही चेंज हो जाती हैं। सो हमारा प्लान एक अनरियलिस्टिक सी डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करता, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के बेस पर नहीं बना हुआ। उस ऐसे प्लान को इम्प्लीमेंट करने का क्या फ़ायदा? विंसबर्ग कहता होता था कि स्ट्रेटजी फॉर द मैनेजर्स इज लाइक ब्लाइंडर्स फॉर द हॉर्स। जिस तरह एक घोड़े को ब्लाइंडर्स के अंदर से एक चैनल विजन जो है वो मिल रहा होता है, वैसे ही स्ट्रेटजी मैनेजर्स के लिए एक चैनल विजन जो है वो डेवलप कर देती है। स्ट्रेटजी मैनेजर्स के लिए वो चैनल विजन क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी का लेवल इंक्रीज कर देती है। स्ट्रेटजी मैनेजर्स के लिए रिजिडिटी जो है वो क्रिएट कर देती है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू मोर डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी एंड सेकेंड इज स्टिफल क्रिएटिविटी। हमें उस चैनल विजन के अंदर रहते हुए कहा जाता है कि जो तुम्हें कह दिया तुमने वो जो है वो उस पर काम करना है, तुमने ऑब्जेक्टिव वो सेट करने हैं जो मिशन के साथ अलाइन हो, हमारे स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स लोअर लेवल पर वो बनेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजर्स ने ऑब्जेक्टिव सेट ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजर्स ने जो मिशन सेट किया, ये अल्टीमेटली मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजर्स की क्रिएटिविटी को जो कर्व कर देता है। और फिर हमारे जो प्लान्स बन गए हैं जिनको हमने अलाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ, मिशन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, अब हम उनसे आगे पीछे नहीं जा सकते। सो दैट क्रिएट्स ब्यूरोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली हमारे लिए जब क्राइसिस सिचुएशन आती है, हमारे ये जो सारे प्लान हैं ये धरे के धरे रह जाते हैं। हम लोग इस प्लानिंग इस ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं जो हमें समझ आता है, हम सारे के सारे अपने प्लान को इग्नोर कर देते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर्स को जो चीज़ बेहतर लगती है मैनेजर्स को करने की जो है वो कोशिश करते हैं। क्राइसिस सिचुएशन में जैसे आप आई एम श्योर आप समझते हैं कि जब जिस बंदे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है उसके आसान अता हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो ज़ाया हो जाती है। ज़ाया इस वजह से हो जाती है कि पहला क्वेश्चन तो मैनेजर्स पर ही आता है कि यार ये क्राइसिस सिचुएशन आई क्यों, क्या तुम्हारे प्लान्स ने इस क्राइसिस सिचुएशन पर काउंट फॉर नहीं किया, अगर अकाउंट फॉर किया होता तो आज ये क्राइसिस सिचुएशन ना आती। सो क्राइसिस में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे प्लान्स पे और उन प्लान्स को हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जुड़े जी, ना और अपने रिश्तेदारों का दोस्तों चीज़ों का रखकर ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी कहीं या कहीं सब दुआओं को जो है कबूल करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।